है फिर आ गए। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री फायर बैन को लेकर के। एप्पल ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर से रिमूव हो जाने के बाद काफ़ी लोगों के दिमाग में ये ख्याल आ रहा है, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, कि यहाँ पर प्ले स्टोर में भी आपको फ्री फायर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। और अगर आप सब भी सर्च करेंगे तो यही देखने के लिए मिलेगा, फ्री फायर मैक्स का वर्ज़न देखने को मिलेगा, फ्री फायर का ओरिजिनल वर्जन देखने के लिए नहीं मिलेगा। एंड ये सीन एप्पल ऐप स्टोर एंड उसके साथ प्ले स्टोर दोनों पर हो रहा है। लेकिन गाइज एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि जैसा हमारा प्राइवेट फ़ोन है, जैसे हम वीवो का फ़ोन यूज़ करता हूँ मैं, और उसमें जो है हर फ़ोन में आपका अपना एक खुद जो है प्ले स्टोर होता है, एक ऐप स्टोर होता है। एंड मैंने जब अपने फ़ोन में ये चीज़ करके देखी, यानी कि वी ऐप स्टोर में, वीवो ऐप स्टोर में, वहाँ पर मैंने सर्च करके देखा तो वहाँ पर ऐसे सीन नहीं ना, फ्री फायर एंड फ्री फायर मैक्स दोनों अवेलेबल है वहाँ पर। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं यहाँ पर फ्री फायर अवेलेबल है। एंड गाइज मुझे जहाँ तक की लगता है कि अगर आपके फ़ोन में भी पर्सनल ऐप स्टोर है तो मुझे जहाँ तक की लगता है 90% चांसेस हैं कि उस ऐप स्टोर में आपको फ्री फायर मिल जाएगा। और अभी मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अगर आप एयरटेल यूज़र हैं और आपका भी नेट इसमें नहीं चल रहा है तो नेट चलाने की ट्रिक बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि फ्री फायर के साथ ऐसा हो क्यों रहा है, यानी कि जो अभी हाल ही फ़िलहाल में सीन चल रहा है फ्री फायर के साथ, आखिर इसका माजरा क्या है। तो गाइज़ पबजी वालों ने एक कंपनी है क्रैफ्ट ऑन की, आई थिंक मुझे जहाँ तक की लगता है, मैं श्योर नहीं हूँ इस बात पर, मुझे जहाँ तक की लगता है कि ये गेमिंग या तो फिर एप्लीकेशंस के लिए एक एक CBI टाइप होती होगी कुछ, तो उसके ऊपर केस किया। क्या केस किया ऐसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है कि पबजी ने फ्री फायर के ख़िलाफ़ कंप्लेंट की है डेवलपर क्रैफ्ट ऑन कंपनी को, और जिसने इसके ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया है। और एक्शन में क्या लिया है इसने कि सबसे पहले चीज़ तो फ्री फायर से कहा कि भाई ये इलीगल कर रहे हैं आप, कॉपी किया है आपने पबजी वालों को, और भी चीज़ें की हैं साथ में। फिर उसने गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर से भी यही कहा कि देखिए भैया आप जो है कॉपीड ऐप बेच रहे हैं एंड इससे प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसके ऊपर आपको लीगल एक्शन लिया जा सकता है इसके ऊपर। और इसी के चलते चलते हमें ये देखने को मिल रहा है कि आज फ्री फायर एप्पल स्टोर एंड उसी के साथ प्ले स्टोर पर हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है, अवेलेबल नहीं है। और गाइज वहीं पर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि फ्री फायर के साथ ग्लिच हुआ है एप्पल ऐप स्टोर एंड फिर प्ले स्टोर में। लेकिन गाइज अगर ये ग्लिच हुआ है तो इंडिया में ही क्यों, और या तो फिर फ्री फायर अगर बैन भी हुआ है तो वो इंडिया में ही क्यों। और गाइज ये बात तो ही क्रैफ्ट ऑन के कॉपी वाली सीन, जो पबजी ने कहा कि फ्री फायर ने कॉपी किया है। गाइज आप देख सकते हैं, जहाँ तक कि मैंने रिसर्च किया और पाया कि सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं फ्री फायर की रिलीज डेट की, जिसमें आपको साफ साफ लिखा हुआ मिल जाता है कि फ्री फायर की रिलीज डेट थी 23 अगस्त 2017, यानी कि 23 अगस्त 2017। और अगर इसी के साथ हम बात करें फ्री फायर रिलीज डेट की, सॉरी पबजी की रिलीज डेट की, एंड तो वो भी आप देख सकते हो गाइस कि पबजी लॉन्च हुआ था 9 फरवरी 2018, यानी कि इन दोनों में काफ़ी लंबा फ़र्क दिखाई देता होगा आप लोगों को। और फ्री फायर हमारा पबजी से पहले लॉन्च हो गया था, और पबजी उसके यानी कि नेक्स्ट ईयर में लॉन्च हुआ है 2018 में। अब और लोग कहेंगे इसमें कि जो है पबजी PC था एंड PC में 2017 में लॉन्च हो गया था, 2017 से पहले लॉन्च हो गया था। तो और लोग कहेंगे गाइस देखो बात बताओ, PC का अपना अलग एक कैटेगरी है एंड मोबाइल गेम्स का अलग एक कैटेगरी है, एंड बैटल ग्राउंड्स में जो जहाँ तक की होता है, पहली चीज़ तो यार एक बात बताइए, आप बैटल ग्राउंड्स में गन नहीं रखेंगे, गाड़ियाँ नहीं रखेंगे, तो क्या उसमें जो है पजल सुलझाया जाएगा? उसमें आप कैंडी क्रश खेल लीजिए बैटल ग्राउंड में आकर के, तो एक ये मैटर हो जाता है। एंड गाइस इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ, चूँकि पबजी वालों ने पहली चीज़ तो ऐसी की है फ्री फायर वालों के साथ, और क्रैफ्ट ऑन इसके ऊपर एक्शन भी ले रहा है। एंड उसके बाद अब एक चीज़ ये सुनिए आप, जो मैंने खुद से कॉल किया जब एयरटेल वालों के पास और भी सिम वालों के पास मैंने कॉल किया था, लेकिन एक जो मुझे सही चीज़ मिली है आप लोगों को दिखाने के लिए, वो आपके सामने दिखाता हूँ, ये सुनिए गाइस। पहले सरकार के निर्देशानुसार फ्री फायर गेमिंग ऐप ब्लॉक कर दी गई है, इस कारण अब आप ये ऐप डाउनलोड या इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये रिकॉर्डिंग किसी भी तरह की एडिट की हुई नहीं है, अगर आपको इसका शक है तो आप अगर एयरटेल यूज़र हैं तो खुद कस्टमर सर्विस में आप कॉल करके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सबसे पहले यही बताया जाएगा। आप कुछ पूछें ना पूछें, आपकी कॉल लगेगी भी नहीं,
लेकिन आपको ये पहले चिपका दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं गाइस सॉल्यूशन की कि अगर आपके पास एयरटेल का सिम है एंड आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा तो क्या करें। जैसे अगर आपके घर में दूसरी एयरटेल की भी सिम है या तो फिर भी जो घर वाले यूज़ करते हैं जो भी सिम, उनसे आपके लिए 2 मिनट के लिए सिर्फ जो है आपको हॉटस्पॉट ऑन करवाना है एंड गेम ओपन होने के बाद आपका गेम जब ओपन हो जाए तो उसको आप हॉटस्पॉट बंद करके अपने डेटा पर आ जाइए। मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं कर चुका हूँ कि आपका नेट जो है उसके बाद चलना शुरू हो जाएगा एंड ये खाली खुलने में प्रॉब्लम आ रही है आई थिंक मेरे हिसाब से। और सिम के भी मैंने कस्टमर केयर से बात की है, वहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है फ्री फायर को बैन को लेकर के। लेकिन गाइस अगर एयरटेल अपना पर्सनली ये मैटर निकाल रही है तो फिर फ्री फायर इसको छोड़ने वाली नहीं। और चलता हूँ मैं, अभी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।